दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग वे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि NDTV इंडिया के संवाददाता ने जब आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट को लेकर यूपी पुलिस के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने क्या बतलाया है। पूरी जानकारी पूरी डिटेल्स के साथ आपको जानकारी दी जाएगी, बिल्कुल सटीक और सही जानकारी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और या नहीं तो वीडियो को अंत में लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी पूरी खबर जान सके। और शेयर एक ही बात पर कीजिएगा जब आपको ये न्यूज़ जो है वो सही लगे, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को यूपी पुलिस रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो सही और सटीक टाइम पे आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों पूरी अपडेट पूरी खबर देख लेते हैं कि NDTV संवाददाता से जब बात करते हुए आप लोगों के यूपी पुलिस कांस्टेबल के अधिकारियों ने क्या कहा। तो दोस्तों देखिएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट, परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। जब दोस्तों NDTV एक अधिकारी ने NDTV को बताया कि कांस्टेबल का रिजल्ट जो है वो जल्द ही जारी किया जाएगा और रिजल्ट किसी भी दिन और किसी भी समय जारी किया जा सकता है। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि जब NDTV संवाददाता ने जब आपके UPPBPB के अधिकारियों से बात की तो इन्होंने बताया कि आपका कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो किसी भी दिन और किसी भी टाइम आप लोगों का जारी किया जा सकता है, और कांस्टेबल भर्ती का परीक्षा का रिजल्ट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप लोगों का जारी किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ऐसे में आप लोगों को करना क्या होगा, वेबसाइट को चेक करते रहना है, ठीक है। तो आप लोगों का कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है, और आप लोगों को रिजल्ट चेक करने के लिए यूजर आईडी जो आप लोगों को मिला है और पासवर्ड, इन दोनों को डालकर आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा। फिर आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा जो था आप लोगों का रिजल्ट वह दिख जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि 49,568 पदों के लिए 27 और 28 जनवरी को परीक्षा का आयोजित किया गया था और यह परीक्षा देशभर विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न शहरों में केंद्र बनाई गई थी जिसमें कि एग्जाम हुआ था। और दोस्तों आपको बता देते हैं, चलिए आपके कैसे आप लोग रिजल्ट को चेक कर सकते हो। तो आप लोग जो है सबसे पहले आप लोग अपना ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट का लिंक दिखेगा, उस लिंक पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आप लोगों से यूजर आईडी और पासवर्ड, इन दोनों को मांगेगा और इन दोनों को आप लोग फॉर्म भरते ही आप लोग लॉग इन कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आप लोगों के स्क्रीन पर होगा और प्रिंट आउट ले सकते हो, स्क्रीन शॉट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और जैसे ही रिजल्ट आएगी वैसे ही आप लोगों तक वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसलिए चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी, वो भी सही और सटीक। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।